हेलो एवरीवन, पार्ट वन को आपने इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया कि मुझे पार्ट टू बनाना पड़ा। सो लेट्स रोल द इंट्रो। पार्ट टू की शुरुआत में हम देखते हैं कि जी हैंग कुछ फूलों को तोड़ लेता है, जिससे तियान जी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जी हैंग तियान जी को बताता है कि मैं सबको यहाँ बता दूंगा कि शिनचैंग का कातिल अभी भागा नहीं है, वो अभी भी यहीं पर ही है, जिसके कारण जो वो मेन कातिल होगा वो तुम पर अटैक करने के लिए ज़रूर आएगा। जनरल का इतना भयानक प्लान सुनकर तियान जी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। सॉरी कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। पर जी हैंग तो उस पौधे में से फिर से दो तीन फूल तोड़ लेता है। तियान जी के जाने के बाद जेंग वहां पर आता है, तो जी हैंग उसे अपना मास्टर प्लान बता देता है कि मैं तियान जी को चारा बनाकर असली कातिल को ढूंढ लूंगा। जैसे ही किलर तियान जी को मारने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। ये सुनकर जेंग को लगता है कि इसमें डॉक्टर तियान जी की जान को खतरा है। जी हैंग उसे एश्योर करवाता है कि अगर तियान जी मर जाता है तो मैं उसकी फैमिली को पैसे भी दूंगा, और जब शिनचैन मरी थी तो उसका चेहरा पूरे गिल्ट से भरा था। लोग ये समझेंगे कि उसकी लेडी के कातिल को पकड़ने के लिए उस बेचारे डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी, मैं उसका फ्यूनरल भी अच्छे से करवाऊंगा। जेंग कहता है कि अगर डॉक्टर तियान जी इनोसेंट साबित हुए तो मैं उसकी जान को ज़रूर बचाऊंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोपहर के टाइम पर राजा के महल से एक यूनुच आया होता है जो कि संदेश लाया था। वो संदेश कुछ इस तरह से होता है कि राजा ने तुम्हें सिर्फ एक महीना ही दिया है, इस एक महीने के अंदर ही तुम्हें शिनचैन के कातिल को ढूंढना होगा। जी हैंग तो यहाँ पर उस यूनुच के सामने बहुत ही ज़्यादा मस्त एक्टिंग करता है कि जिसने भी मेरी मंगेतर को मारा होगा, मैं उसे एक महीने के अंदर तो क्या उससे कम समय में ढूंढ लूँगा। रात के टाइम पर फटाकों को देखकर जी हैंग एक लड़की को याद करता है जिसका नाम जावर था, और वो तो बचपन वाली तियान जी ही थी। बचपन में तियान जी को फटाके देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और वो तो हमेशा जी हैंग के साथ ही फटाके देखती थी। प्रेजेंट में ये सारी बातों को याद करते हुए वो अपने मन में बोलता है कि जावर तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत पर खेद है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये सारी बातों को सोचकर वो अपने हाथ को इतनी ज़ोर से दबाता है कि हाथ में से खून निकलने लगता है। ये देखकर शेंग डॉक्टर डिंग को बुलाने जाता है, पर जी हैंग मना करता है और कहता है कि तियान जी को बुला कर लाओ। थोड़ी देर के बाद तियान जी वहाँ पर आ जाती है। जी हैंग उसे कहता है कि तुम तो ऐसे मेरे घाव को देख रही हो जैसे तुम्हें खुद लगे हो। तियान जी उसे डरने को ना कहती है, जब मैं दवाई लगाऊंगी तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। जी हैंग पूरे स्वैग से बोलता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, अब चलो चुपचाप मुझे दवाई लगाओ। तियान जी जब दवाई लगाना शुरू कर देती है, जी हैंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वो तो ये तक बोल पड़ता है कि तुम मुझे जहर लगा रही हो या दवाई। तियान जी डर जाती है और उसके हाथ में धीरे धीरे से फूंक मारने लगती है। ये देखकर जी हैंग स्माइल करता है, क्योंकि बचपन में जावर भी उसे ऐसे ही दवाई लगाती थी और बाद में फूंक भी मारती थी। थोड़ी देर एक दूसरे में ऐसे ही खोने के बाद जी हैंग अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम एक मर्द हो तो तुम फिर लड़कियों की तरह क्यों बिहेव करते हो, जाओ निकलो यहाँ से। सोते समय जी हैंग एक सपना देखता है जिसमें जावर के मम्मी पापा मर गए थे और वो वहाँ देर से पहुँचा था। अब जावर का एक विजन वाला रूप आता है और वो कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बचाया, एंड वो अपने सपने से उठ जाता है। उसको ऐसे सपने हमेशा से ही आते हैं और वो तो रात में सो भी नहीं पाता। मेंशन में तियान जी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, जी हैंग को वो गालियाँ दे रही थी, पर जब उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है तो वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला ज़रूर लूँगी, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था कि जावर तुम्हें यहाँ पर छुपे रहना है और एक भी आवाज़ नहीं करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कातिल वहाँ पर आकर उसके पेरेंट्स को मार देता है। मरते टाइम पर उसकी माँ ने कहा था कि बेटा प्लीज़ जिंदा रहना और खुश रहना। यह सारी बातों को सोचकर वो रोने लगती है, पर अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है कि मुझे तो भूख लगी है इसीलिए मैं रो रही हूँ।
देखना आप, मैं कल अच्छा तियांची बनकर रहूंगा। जब वो खाना खाने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि चुनहुआ को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। जीहेंग भी दूर से ये सब देख रहा था। तियांची वहां आकर कहती है उन गुंडों से कि मेरा नाम जानना ये ज़रूरी नहीं है, पर तुमको पता है कि ये लड़की कौन है, ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरल का इस लड़की पर क्रश है, वो उसे पसंद करते हैं। ये सुनकर दूर खड़ा जीहेंग भी शॉक। तियांची की ऐसी बातों को सुनकर वो लड़के भी यही कह देते हैं कि जनरल भला इस लड़की को क्यों पसंद करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो तियांची उसे अलग अलग रीजन देकर समझाने लगती है कि देखो जनरल इसे इस तरह से पसंद करते हैं। पर उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे तो लगता है कि जनरल नहीं पर तुम चुनहुआ को पसंद करती हो, देखो मेरी चुनहुआ की तरफ तुम आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, समझे। चलो साथियों इसे मारते हैं। जब वो लोग तियांची पर हमला करने ही वाले थे कि जीहेंग वहां पर आ जाता है। वो उन बुली करने वाले लड़कों को 50 कोड़ों की सजा दे देता है। तियांची मन में सोचती है कि हे भगवान काश इसने कुछ भी ना सुना हो। जीहेंग उसकी तरफ आकर कहता है कि इस लड़की का एक भी बाल बाका नहीं होना चाहिए, वरना इसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। तुमने कहा था ना कि ये लड़की मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो अब भुगतो। जीहेंग के जाने के बाद चुनहुआ कहती है कि क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं। तियांची कहती है कि बस सपने देखो। आधी रात के टाइम पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जहर मिला रही थी, उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी। वो दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ दिन रुको और जैसे कुछ हुआ भी ना हो ऐसे रिएक्ट करो, मास्टर तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल देंगे। अगले दिन तियांची फिर से जावर बनकर ब्रोथल में जाती है, जहाँ जेंग का वो जो आदमी होता है वो उसे देख लेता है कि वो ब्रोथल में गई है। एंड वो ये खबर सीधा कर जेंग को बताता है। जेंग ये सुनकर उसे तो झटका लगता है कि वो ऐसी जगह पर तो कभी नहीं जा सकती, पर फिर तियांची का रूमाल देते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं उसे ये दे देना। तियांची अपनी आंटी को मिलने के लिए आई होती है, पर उसकी आंटी को तियांची की पोटली में से कुछ स्मेल आती है। जब वो देखती है उनके कपड़ों को तो उसमें से तो जहर निकलता है। आंटी कहती है कि तुम्हें इस जहर का नाम पता है, इसका नाम है डेडली क्यूर, जो कि तुम्हारे पापा ने ही बनाया था। तियांची मना करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। आंटी कहती है कि मुझे तो लगता है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। जी मेंशन में जीहेंग को भी ये बात पता चल जाती है कि ये जो जहर था वो डेडली क्यूर था, जो कि शेन फैमिली ने बनाया था। उसको पता होता है कि शेन अंकल और आंटी तो मर गए हैं, अब कौन बची, जावर। तो जीहेंग मना कर देता है कि जावर ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, वो अभी भी जिंदा होगी तो बिल्कुल इनोसेंट कल ही होगी। तियांची जब जीहेंग के पास आती है तो वो उसके बेल्ट के बारे में पूछता है। तियांची कहती है कि मेरे पास दो बेल्ट है। जीहेंग पूछता है कि दूसरा बेल्ट कहाँ पर है। तियांची कहती है कि वो तो मैंने चला दिया, मेरा मतलब है कि मैं जब किचन में गया था तो मुझसे गलती से चल गया था। जीहेंग उस पौधे के पास जाकर फूल को तोड़ने ही वाला होता है, पर तियांची उसके पैरों को पकड़ लेती है, कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। जीहेंग को वो बार बार सॉरी बोलने लगती है। जीहेंग कहता है आज से तुम मेरी पर्सनल डॉक्टर हो। यह सुनकर तियांची कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। पर फिर वो अपने होश में आकर कहती है कि कोई बात नहीं, आपने मुझे ये ऐसा मौका दिया उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। दूसरी तरफ जेंग का आदमी उसे रुमाल को देने के लिए ब्रोथल में आया होता है। आंटी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि इस रुमाल वाली लड़की यहाँ पर होगी, शायद वो यहाँ से चली गई होगी। आज रात को फटाकों का त्यौहार था। जब जीहेंग आसमान में फटाकों को जलते हुए देखता है तो वो जावर को याद करता है कि उसे फटाके देखना कितना ज़्यादा पसंद था, मैंने तो उसे अपना नाम भी नहीं बताया था। जेंग भी वहीं पर ही होता है तो वो कहता है कि डोंट वरी भैया, वो जिंदा ही होगी और खुश होगी। अगले दिन तियांची जीहेंग का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, जहां पर वो उसकी पट्टी बदलने लगती है तो जीहेंग मना कर देता है एंड उसे नौकरों वाले काम दे देता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तुम मुझे पंखा करो। तो तियांची पंखा करने लगती है, उसकी ठंडी ठंडी हवा से वो तो सो जाता है और सपना देखने लगता है जावर का, और प्रेजेंट में वो मुस्कुराने लगता है। जब वो नींद से उठता है तो वो तो शॉक होता है कि मुझे आज तक इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी।
रात के टाइम पर फिर से उसे बुरा सपना आता है वही वाला। तो वो उठ जाता है एंड शेंग से कहता है कि जाओ तियांची को बुला कर लाओ। बिचारी तियांची सो रही थी और गार्ड आकर उसे जीहेंग के कमरे में फेंक देते हैं। जीहेंग कहता है कि चलो मुझे पंखा करो, जब तक मैं नहीं सो जाता तब तक तुम मुझे यहाँ पंखा करोगी। बिचारी तियांची रात भर उसे पंखा करती है। जब जीहेंग सुबह सुबह उठता है तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई थी, तियांची उसके पास ही सो रही थी, मतलब नीचे सो रही थी। जीहेंग उसे प्यार से देखने लगता है पर फिर गाल में पिंच करके उसे उठाता है एंड डांटता है कि मैंने कहा था ना कि तुम नहीं सोओगी, अब जाओ यहाँ से निकलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। आगे हम देखते हैं कि चुनहुआ तियांची से मिलती है और उसे मिठाई के रूप में एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर तियांची तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूर से ये सब चुनहुआ का दीवाना लड़का देख लेता है और वो तियांची के पास उसे मारने के लिए आता है। एंड पार्ट टू यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब इस वाले पार्ट में 1000 लाइक और 100 कमेंट आनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को तीसरा पार्ट मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।